अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद करती हूँ आपको ऐद रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन प्रोग्राम का नाम है कुलू मिन तैयबात। मैं हूँ समीन मोइस और मैं हूँ हकीम अब्दुल गफ्फार आगा। खुश आमदीद करते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। हम लोग इस पूरे सेगमेंट में पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी, नई से नई, आसान से आसान रेसिपीज डिलीवर करें, उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ फूड भी बताएं ताकि आप लोगों के पास ऑप्शंस हों कि जो भी चीज़ घर में अवेलेबल है वो आप बना सकें। जो आज की हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल हटकर है। हटकर इसलिए है कि नॉर्मली ये वाला खाना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि मेडिटेरियन फूड, जो कि मिडिल ईस्ट का फूड माना जाता है, वो पाकिस्तान में थोड़ा सा फेमस हो गया है। अगर सर पहले जब हम लोग दुबई जाया करते थे या किसी भी सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट की तरफ, तो वहाँ की कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हुआ करती, जैसे कि मंदी है और हुमस है, शवरमा है। देखते ही देखते कुछ अरसे में वो सब चीज़ें पाकिस्तान में भी इन हो गई हैं और अब आपको जगह जगह मंदी हाउस मिलेंगे, शवरमा आपको लोकल स्ट्रीट पे मिलेगा। शवरमा तो हम बना चुके हैं हमने। आज जो हम चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं वो है एक ऐसी कंप्लीट मील है जो कि मिडिल ईस्ट साइड के ऊपर इस चीज़ को बतौर खाना खाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हुमस। ठीक। हुमस एक बहुत ही ख़ास किस्म की चीज़ मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि रमज़ानों में हमारे घर में चने बॉयल हुए हुए होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप कंफ्यूज बैठे हुए कि रात को सहरी में क्या खाया जाए या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये एक बेस्ट ऑप्शन है। फटाफट बनने वाली चीज़ है और आप इसको अपने घर में रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, क्योंकि जो सर्व होता है वो इसके साथ होती है पीटा ब्रेड। अब पीटा ब्रेड इज़ अ ब्रेड, तो आप ब्रेड को सेक के आराम से उसको निवाले बना बना के खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। वैसे भी हुमस आम तौर पर अगर सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्ट में कहीं भी सर्व की जाती है तो वह हमेशा खाने से पहले सर्व की जाती है और उसके साथ सर्व करने के साथ साथ खुबुस जो है वो साथ देते हैं। जी, खुबुस दिया जाता है, एज ए एपेटाइजर भी यूज़ करते हैं और मैंने तो ये देखा है कि वो लोग पेट भर के भी इससे खाना खा लेते हैं। यकीनन। और उसके साथ सैलड होता है, कचूमर होता है, इतना ज़्यादा हेल्दी फूड होता है कि आप इसको बतौर कम्प्लीट फूड भी ले सकते हैं। यकीनन। चूँकि इसके अंदर चने जा रहे हैं जो कि बॉईल किए हुए, तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये चने हैं जी। एक प्याला भरकर तहीनी पेस्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हुमस के साथ, तहीनी पेस्ट का होना बिल्कुल कहते हैं लाजम और मलजूम वाली कहानी है जी। कि इसके बगैर ये बन नहीं सकता। और तहीनी पेस्ट बनाना मैंने आपको समझाया था कि बहुत आसान है। अगर आपके पास तहीनी पेस्ट घर में अवेलेबल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल लीजिए, उसको हल्का सा चूल्हे पर रोस्ट कीजिए कि उसका कलर लाइट सा चेंज हो जाए, उसको बाहर निकालिए, ठंडा कीजिए और ऑलिव ऑयल का इसको ब्लेंड कर लीजिए। थोड़ा सा लेमन जूस भी डलता है और थोड़ा सा लहसुन भी डलता है। लहसुन, लेमन जूस और ऑलिव ऑयल, हल्के से भुने हुए तिल, ये जैतून के तेल में मिलाकर अगर हम मिक्स कर लें तो तहनिया घर घर में बन सकता है। और अगर आप लहसुन ना डालना चाहें तो भी बन सकता है। ठीक है। सिर्फ आप इसको जैतून के तेल और रोस्टेड तिल बना सकते हैं। तो ये भी तिल भी हर घर में अवेलेबल होते ही हैं। जैतून का तेल, क्योंकि मेडिटेरियन खाना या मिडिल ईस्ट खाने में जैतून का तेल वो लोग प्रेफर करते हैं, हम लोग नॉर्मल कुकिंग ऑयल जिस तरह प्रेफर करते हैं इस तरह वो लोग जैतून का तेल प्रेफर करते हैं, तो इसमें भी जैतून का तेल तकरीबन 2 टेबल स्पून जाएगा। ठीक है। लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून और 2 टेस्ट। मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू टेस्ट ज्यादा बेहतर लगता है कि अगर आपको खटास थोड़ी कम लग रही है तो आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट इसमें 2 टेस्ट जाएगा और तकरीबन मैं 1 टीस्पून लूंगी पिसा हुआ लहसुन। आप चाहें तो आप साबुत लहसुन भी ले सकते हैं और फ्रेश कुटा हुआ लहसुन बेहतरीन है। सही। ठीक है। ये भी कुटा हुआ है लेकिन बस इससे हाँ, थोड़ी देर हो गई ये है। पिसा हुआ हम पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश है ये भी। आप भी घर में यूज करें तो आप फ्रेश लहसुन ही इस्तेमाल करें। चनों के बारे में कहा जाता है कि चने जो है वो इससे हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैं डालूंगी, आगे साहब थोड़ा सा जरा इसके बारे में मुझे, चनों के बारे में लोगों को बताइए कि क्या इसकी अफादियत है। असल में चने बहुत ज़्यादा कैलोरी रखने वाला फूड है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि जी चने बस ठीक है ऐसे ही से हैं। सबसे बड़ी बात चनों की यह है कि ये एब्जॉर्बेंट हैं।
और कहीं से भी मेदे में अगर कहीं तरी ज़्यादा हो रही है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बेहतरीन है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी रिवायत है कि सुबह सॉरी इफ्तार में जब हम पकौड़े खाते हैं, तो ये हमारी जो रिवायत बनी वो क्यों बनी, इसकी बड़ी तफसील है। लेकिन बहरहाल अभी जो हम बना रहे हैं चने, इसमें 316 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम चने में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जान। 316 कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और हम लोग यहाँ आमतौर पे लोग बहुत चने कम समझते हैं। वो डाइट में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग कहते हैं डाइट में इस्तेमाल करें, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ कि 100 ग्राम चने में 316 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, आपने इसमें टहनिया डाला, उसके बाद आपने इसमें जैतून का तेल डाला। मैंने डाला टहनिया 1.3 कप डाला है, चने इसमें 200 ग्राम है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लेमन जूस डाला, अगर मुझे कम लगा तो मैं और ऐड करूँगी। ठीक है, सॉल्ट में डालूंगी थोड़ा सा, आधा टीस्पून तकरीबन, हाफ टीस्पून, ठीक है, और टू टेस्ट, और लहसुन तकरीबन हाफ टीस्पून और टू टेस्ट, ठीक है। ये इसको मैं अब ब्लेंड करूंगी। एक चीज पापरिका थी, वो अभी बाद में डालेंगी। पापरिका जो है ये लोग सर्विंग के वक्त ऊपर छिड़कते हैं, आपने देखा होगा वो रेड रेड से एक वो नजर आ रहा होता है, तो वो पापरिका मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं इसे सर्विंग के वक्त ऊपर से जैतून के तेल के साथ ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी। ओके, बिल्कुल ठीक। और वो बाकी वो होता भी है, वो खूबसूरती के लिए ऊपर से जब वो स्प्रिंकल करते हैं तो उसका एक मुख्तलिफ टेस्ट है, और आमतौर पर हुमस को जब वो सर्व करते हैं तो उसका एक मखसूस वो एंगल होता है, गोल सा बीच में जी, उठा जी, हुआ जी। और दरमियान में प्याला सा बना हुआ, और उसके ऊपर पापरिका कोने में डला हुआ, दरमियान में वो जैतून का तेल डालते हैं। हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, पानी भी ऐड कर सकते हैं, और तकरीबन 2 टेबल स्पून जी, 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर लिया, इसलिए इसका पेस्ट कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर फिर हम खाते वक्त भी और वैसे भी हम अगर इसमें जैतून का तेल ऐड करें तो भी हम बहुत अच्छा सा हुमस बना सकते हैं। अच्छा आका साहब, जैतून का जो तेल है जी, वो भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, और कहते ये हैं कि इसको कुकिंग में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। असल में जैतून के तेल की 2 किस्में हैं, या जैतून का तेल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन, जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट कोल्ड प्रेस पर जो जैतून का तेल निकाला जाता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन तेल होता है, और आमतौर पर पूरी दुनिया में जो कौमें जैतून का तेल इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो स्पेनिश हों, चाहे वो इटालियंस हों, चाहे वो अरब्स हों, ये लोग कभी भी जैतून के तेल को नहीं पकाते, इसलिए कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है और कोल्ड प्रेस में निकलता है। अच्छा, कोल्ड प्रेस में निकालने के बाद उन बीजों को रख दिया जाता है, ढेर किया जाता है, गर्मी पहुँचाई जाती है, उसके बाद उसमें सेकेंड प्रेस पर जो तेल निकाला जाता है दिस इज़ कॉल्ड पॉमेस ऑयल। और पॉमेस ऑयल के बारे में जो आम तौर पर अरब कहते हैं वो ये कि पॉमेस ऑयल को वो कभी खाने में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पॉमेस ऑयल को हमेशा वो मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जैतून खाओ और लगाओ वो तुम्हारे लिए शफा है। शफा है तो यकीनन ये शफा है। और हम हुमस बना रहे हैं आज। अच्छा, मैं अरबी पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी, मुझे ये लग रहा है कि ये ब्लेंडिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जी जी, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी कि मुझे ब्लेंडिंग करने में जरा आसानी हो, ठीक है, और जिसका टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाए, और थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगा। हम बना रहे हैं हुमस, और उसके साथ हमें चाहिए एक ब्रेक। हम जा रहे हैं ब्रेक पर, देखते रहिए कुल्लू मिन तैयबात। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बना रहे हैं आज हुमस, और हुमस जो है मैंने अच्छी तरीके से देखें ब्लेंड कर लिया, और ये बिल्कुल क्रीमी सा, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, अच्छा टेक्सचर हो गया। आप चाहें तो आप इसको जो ब्लेंडर होता है उसमें भी बिल्कुल बना सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा शायद आपको लिक्विड कंपैरेटिवली ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें ब्लेंडर के लिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे, लेकिन ये बहुत क्रीमी बहुत मज़ेदार बना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि मिडिल ईस्ट की ये खुराक है, लेकिन अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और मैं देख रही थी कि बहुत रेस्टोरेंट हैं जो खुल चुके हैं और जो मिडिल ईस्ट खाने
सर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये खाना पसंद आ रहा है, ये टेस्ट पसंद आ रहा है, इसी वजह से रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल रहे हैं, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो पुराने रेस्टोरेंट हैं उनमें भी जो हुमस है ये बाकायदा सर्व किया जाता है और बहुत उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और यकीनन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करने वाले, इसके टेस्ट को समझने वाले लोग मौजूद हैं, और उनके लिए फिर आज हम इसीलिए रेसिपी बना रहे हैं। ये हल्की सी है, बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इसकी गज़ाइत बहुत ज़्यादा है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो हम इसमें छोले डाल रहे हैं, चने, वाइट चने, उसकी जो रेसिपी है उसके साथ उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अच्छा देखिए, ये मैंने हल्का सा इसमें ना स्विर्ल बना दिया है, ओके, जो कि बाजारों में भी अगर आप देखें जो सर्व करते हैं तो वो इसी तरह से स्विर्ल सा बना हुआ होता है, और उसके बाद इसके ऊपर जैतून का तेल होता है और पापरिका जो होता है वो छिड़का हुआ होता है। यकीनन, ओ गुड, ये पापरिका भी आ गया, और एडिशनल क्योंकि इसमें जैतून का तेल इस्तेमाल होता है तो लिहाजा इसकी सर्विंग में हमने जैतून का तेल इस्तेमाल किया है, ताकि वहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोग ऊपर डाल के तेल और फिर खा रहे होते हैं। अगर साहब इसको आप वहाँ रख सकते हैं। और इसके साथ आमतौर पर जब हम हुमस की बात करते हैं तो हुमस के साथ वहाँ पर जो सर्व होता है वो होती है लहसुन की पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, वो थोड़ा सा खट्टा होता है और इसके साथ बहुत ज्यादा वो एफिलिएटेड होता है गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि उसका मेथड जो है वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा है। आप गार्लिक को डालते हो और जिस तरह मेयोनीज बनता है इस तरह से गार्लिक बनता है कि आप उसके अंदर जो है वो हम ऑलिव ऑयल उसको आप डालते रहते हैं और ब्लेंड करते रहते हैं, वो थिक सा एक जो होता है पेस्ट बन जाता है। और लेकिन उसकी रेसिपी काफ़ी लंबी है, टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैंने उसके बजाय एक और डिप है जो मैं बना रही हूँ वो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले हम कुकिंग का काम कर लेते हैं। कुकिंग का काम करेंगे और एक, क्योंकि हम हमारे यहाँ ये होता है कि एक ऐसी डिश होती है जो कि ऑब्वियसली मेन हम उसको बात करते हैं, तो कुछ खाने के लिए कुछ दो तीन फ्लेवर साथ में मिल जाएं। कॉन्सेप्ट ये है कि टमाटर भी हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो क्यों ना हम टमाटरों के साथ कोई चटनी बनाएं जो कि हुमस को भी कॉम्प्लीमेंट करे और हमारे दूसरे वाले डिप को भी कॉम्प्लीमेंट करे। तो मैं अभी जो है तैयार करती हूँ अपना टमाटर की चटनी जो कि बहुत इजी, बहुत सिंपल है, और ये इतनी बेसिक है कि अगर आप इसको घर में अपने बना के रख लें बॉटल में, इसको अगर आप प्रिजर्व कर लें तो कभी भी सालन वालन बनाने में अगर आपके पास कोई मसाला कम पड़ जाता है तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं एक और बात भी बताऊं, इस चटनी की खूबी ये है कि अगर आपके घर में ये मौजूद है और शाम में आप समझते हैं कि ये कीमा जो है वो बच गया है, तो इस टमाटर की चटनी में वो कीमा भी ऐड कर लीजिए तो सहरी में वो काम हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमने ये सोचा कि सादा खाना कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सादी की तरफ जाएं, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा, साबुत जीरा डालूंगी, सफेद जीरा, और ये तकरीबन गर्म हो गया, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, साबुत जीरा इतना डालूंगी कि ये हल्का सा खुशबू निकाले। ठीक है, इसकी खुशबू जैसे ही फ्रेग्रेंस होगी, बस ये जलना नहीं चाहिए, हमें ख्याल इस चीज़ का करना है कि ये जले नहीं। ठीक है, उसके साथ फौरन ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, अगर हम अदरक लहसुन पहले डाल के हल्का सा उसको भी सौते कर ले तो और बिल्कुल हम वैसे भी कर सकते हैं, और इसमें तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ये छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ आपके खाने के टेस्ट को बेहतर करती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हमने अदरक लहसुन पहले ऐड कर लिया तो उसमें ये कि ये भी भुन जाएगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन स्मेल इसकी बहुत अच्छी सी होगी। आप टमाटर डाल दें जल्दी से, ये थैंक यू। ये टमाटर डालने के बाद जो है इसका जो गुस्सा है, इसका जो शोर है वो कम हो गया है, क्योंकि लहसुन वगैरह जब हम पीसते हैं तो उसमें पानी ऐड करते हैं, जब पानी ऐड करते हैं तो डेफिनेटली जब पानी ऑयल में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम में कहा था आई गेस पिछले प्रोग्राम में कि पानी और तेल जो है वो कहते हैं कि दुश्मन है। बिल्कुल, अब हमने इसमें सफ़ेद जीरा डाला, उसके बाद हमने अदरक लहसुन और उसके बाद हमने चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए। अब मैं इसके अंदर बेसिक जो नमक रह गया है वो नमक भी डल जाएगा, तो अब ये चटनी सा एक या पेस्ट जैसा, टमाटर पेस्ट जैसे तैयार हो जाएगा, और ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। नमक, लाल मिर्च, इसमें लाल मिर्च ये हमारे बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं खाने के, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ये नमक और लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है, थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्च डालूंगी इसमें, गुड फॉर टेस्ट या
थोड़ा सा जीरा, सफेद जीरा कुटा हुआ, कुटा भुना जीरा, मुझे याद है कब ये भुना कुटा जीरा मुझे याद हो गया है। अब एंड में मैं डालूंगी लेमन जूस, उसका रीजन ये है कि मैं अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि लेमन जो है वो टमाटर गलाने में प्रॉब्लम देगा। सही। खटास जो है वो थोड़ा सा देर टाइम जो होता है कुकिंग टाइम वो बढ़ा देती है, तो अगर आप खटास डाल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप एंड में डालें। एंड में बिल्कुल, जब खाना पक जाए उसके आखिर में डालें। तो अब जो है टमाटर की जो हमारी ये चटनी है या टमाटो पेस्ट इसको कहें, ये बहुत अच्छा सा अभी तैयार होगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब हम टोमेटो की बात करते हैं तो फिर हमें लाइकोपिन की बात भी करनी चाहिए, और लाइकोपिन एक ऐसा जुज है जो हमारे जिस्म से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम करता है और हमारे जिस्म को बेहतर करने में, हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो टोमेटो को वैसे भी खाना चाहिए, और जदीद तहकीक के मुताबिक अगर रोज़ाना एक टमाटर दोपहर के वक्त खा लिया जाए तो ये मर्दों में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट को कम करने में मदद देती है। इसलिए टमाटर को आमतौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात जो पहले थी बहुत के लिए टमाटर नहीं लेने चाहिए, मेरा अपना ख्याल है कि वो अब थोड़ी सी तब्दील हो रही है। तो हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी और हमें लेना है एक ब्रेक। तो हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। टमाटर चटनी तैयार है, हुमस तैयार हो गई है, हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सर्विंग के साथ, आपको इसके फवायद भी बताएंगे। कुल्लू मिन तैयबात। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेगमेंट कुल्लू मिन तैयबात, और आज हम बना रहे हैं हुमस, उसके साथ टमाटर की चटनी और एक मेयो डिप, गार्लिक मेयो डिप। टमाटर की जो चटनी है वो तकरीबन देखें तेल वेल छोड़ दिया है, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, और जैसे कि मैंने कहा था कि लेमन जूस जो है वो मैं बिल्कुल आखिर में डालूंगी क्योंकि टमाटरों को गलने में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, टाइम टेकिंग होता है। तकरीबन हाफ टेबल स्पून से वन टेबल स्पून डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेमन जूस, और इसको एक अच्छा सा मिक्स देकर ताकि हर जगह पर लेमन जूस जो है वो मिल जाए, कहीं से ज्यादा खट्टा ना हो, कहीं से ज्यादा खट्टा, जितना खट्टा हो खट्टा खट्टा क्योंकि हमारा जो ये हुमस है वो थोड़ा फीकी तरफ होता है, तो ये चटनी उसके साथ बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करेगी। और ये बिल्कुल रेडी है, तेल छोड़ चुकी है, मैं इसको निकालूंगी। मैं असल में हमेशा कहता हूँ ये टमाटर की चटनी जो है ना, ये वो होता है साधनों की माँ, तो मैं समझता हूँ कि ये सालनों की माँ है। आपके घर में कोई भी चीज़ शाम को बच जाए इसमें आप ऐड कर लीजिए, वो कॉम्प्लीमेंट कर जाएगी, चाहे कोई सालन हो, चाहे वो कोई कबाब हो, चाहे कोई चीज़ हो, इसके साथ मिला दीजिए वो कॉम्प्लीमेंट करेगी। इवन कोफ्ते भी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो टमाटर की जो चटनी है, जो आलू की हमारी सब्जी बनती है उसका भी बहुत अच्छे जाएगी, अच्छी लगेगी। तो ये टमाटर की चटनी भी तैयार है, धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी सही खूबसूरती के लिए, और इसको आप बिल्कुल वहां रख सकते हैं जी। ठीक है, ये जनाब जी अब हम बनाते हैं अपना दूसरी डिश, हमारी तैयार है मेयो डिप। इतने में ये मैं चूल्हा भी खोल रही हूँ ताकि हमारे जो खुबुस हैं, पीटा ब्रेड खुबुस 19-20 का ही फर्क है। हाँ, पीटा ब्रेड भी कहते हैं, खुबुस भी कहते हैं वहाँ पे जो खाई जाती है। तो मैंने ये पीटा ब्रेड ही मंगवाई हुई, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि इसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। पहले मैं आ जाती हूँ अपने इधर डिप के ऊपर। दही है तकरीबन आधे से पौना कप, दही आधे से पौना कप, मेयोनीज है आधा कप, मेयोनीज आधा कप। अच्छा, दही की खटास पे लाजमन गौर कीजिएगा, अगर दही खट्टा हो तो आप लेमन जूस बिल्कुल मत डालें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ लहसुन के ऊपर, तकरीबन एक टेबल स्पून लहसुन, एक टेबल स्पून लहसुन, तीन चीजें हो गई। सॉल्ट टू टेस्ट और लेमन जूस 1 टीस्पून डालूंगी क्योंकि दही अगर खट्टा होगा तो वो मुझे तंग करेगा। ठीक है, इसको मैं मिक्स करूंगी। तो आपने दही डाला, मेयोनीज डाली, लहसुन डाला, नमक डाला और नींबू का रस, बिल्कुल ये अब जो है डिप बना रही हैं। हाँ, डिप बना रही हूँ, और अगेन वही बात है कि अगर आपको ऐसी फीलिंग हो कि दही खट्टा है तो फिर लेमन जूस आपने हटा देना, अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये डिप तैयार हो रही है हमारी, जो कि हम पेश करेंगे हुमस के साथ। जो मैं कह रहा था कि वो लोग जो लहसुन की चटनी है, गार्लिक सॉस साथ लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट बेहतर करने के लिए, तो आज वो गार्लिक टेस्ट का एक और वर्जन आ गया है। आगे साथ मुझे पीटा ब्रेड उठा दीजिए और वो प्याला, ये पीटा ब्रेड और ये आपका प्याला जिसमें आप
डिप जो है वो शायद सर्व करेंगी। डिप सर्व करेंगी। ये डिप जनाब अली जो बनी है ये सर्व हो रही है, इसमें दही है, मायोनीज है, इसमें लहसुन है, लहसुन जो है वो आप फ्रेश लहसुन इस्तेमाल करें, क्रीमी क्रीमी सी, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें जो हमने यूज़ की हैं दही और मेयोनीज, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर फील हो रहा है, बहुत खूबसूरत लगी। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके ऊपर हरा धनिया जस्ट फॉर गार्निशिंग, और आप चाहें तो इसके ऊपर पार्सले भी डाल सकते हैं, पार्सले या हरा धनिया जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें लीमू का रस था और वो आपका ऑप्शनल था, खट्टा अगर पसंद करें तो। और इसके साथ हम पीटा ब्रेड दे रहे हैं। ब्रेड आपने पहले भी बताया था कि मैदा है, चीनी है, सॉल्ट है और खमीर, यानी कि इंस्टेंट ईस्ट से आप बहुत अच्छी घर में तैयार कर सकते हैं। एक किलो मैंने बताया आटे में, एक किलो जो मैदा हो तकरीबन 5 से 6 कप बनते हैं छोटे वाले, उसमें आप तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून डालते हैं इंस्टेंट ईस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा ईस्ट नहीं डलता, ठीक है। और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, गूंद के नॉर्मल आटे की तरह थोड़ी देर रेस्ट देंगे, और फिर उसके बाद आप इसकी इसी शेप की छोटी छोटी सी और मोटी मोटी सी रोटी बना देंगे, मोटी सी रोटियां बना दो। अच्छा, ये रोटी मैं देख रहा हूँ कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो पराठे बनते हैं मोटे वाले, उन पराठों से भी ज्यादा मोटी है। जी जी, क्योंकि इसमें खमीर है ना, खमीर है, खमीर की वजह से ये ऐसी है, ठीक है। तो ये पीटा ब्रेड भी तैयार हो गई और हुमस के साथ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, बहुत अच्छी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। बस मैं इसको हल्का सा सेकूंगी, फिर मैं इसको काटूंगी, क्योंकि मैंने जो देखा है कि जो इसकी सर्विंग होती है वो छोटे छोटे पीसेज में होती है। अच्छा, तो उससे छोटे पीसेज में आपको निवाले तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती, आप ऐसे उठाएं ऐसे ही और खा लें। यस, जिस तरह हम और तमाम चीज़ों के पीसेज आमतौर पे जो हमारे यहाँ वो ताफ्तान होते हैं या शीरमाल होते हैं वो भी आमतौर पर लोग कोशिश करते हैं टुकड़ों में काट, टुकड़ों में काट के। हाँ। ये वाले जो मैं काटूंगी बाइट साइज के काटूंगी, कि बाइट साइज हो, आपने उठाया और उसी से लगा के खा लिया। गुड, ये एक और नई इनोवेशन है, बाइट साइज, बाइट साइज। हाँ, तो एक बाइट जो है वो ली जाए तो कम्प्लीट मील हो जाएगा आपका। ये जनाब अली हमारे पास पीटा ब्रेड सेक रहे हैं, हुमस तैयार है, टमाटर की चटनी तैयार है, और मैं आपको मशवरा दूंगा कि हुमस बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जिस तरह आज बताया है उस तरह ट्राई कीजिएगा। ये न सिर्फ आपके जिस्म को ताकत देगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्राहम करेगा, प्रोटीन फ्राहम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको टेस्ट बहुत अच्छा देगा। उसके साथ टमाटर की चटनी है जो आप किसी भी सालन के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही पराठे के साथ खाएँ तो बहुत अच्छी लगेगी। और अगर इस हुमस के साथ पीटा ब्रेड और फिर डिप जो बनाया है वो बहुत याद रखिएगा, उसमें दही था, मायोनीज था, लहसुन था, नमक था और थोड़ा सा नींबू का रस था, वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये बहुत अच्छा डिप भी है। तो ये ब्रेड जो है पीटा ब्रेड ये कट रही है। और ब्रेड के लिए हमेशा ये स्लेटेड नाइफ यूज की जाती है, जिसके ऊपर इस तरह से दाने बने हुए होते हैं, आरी की तरह होती है। ये हमेशा ब्रेड काटने के लिए, रोटी काटने के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत आइडियल होती है, इससे टूटता नहीं है, ठीक है। ये स्पेशली बनी ही इसलिए होती है, जितनी भी ब्रेड्स कटती हैं वो इसी नाइफ से कटती हैं। और जब आपके पास अगर नाइफ की आपके पास पूरी एक सेट होता है तो उसमें ये होती है आमतौर पर, होती है आमतौर पर। तो ये पीटा ब्रेड जनाब अली जो है वो आप बाइट साइज की काटेंगी ताकि एक सिंगल बाइट जो है वो हम करें। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा फैशन चल निकला है छोटी छोटी बाइट्स लेने का, इवन चमचम को मैं देखता हूँ, गुलाब जामुन को सुनता हूँ, तो वो आजकल जो है वो वन बाइट चमचम और वन बाइट गुलाब जामुन भी आ गई हैं। जी बिल्कुल। तो ये जनाब अली आज जो है वन बाइट हम देख रहे हैं कि पीटा ब्रेड, तो वन बाइट पीटा ब्रेड और उसके साथ हुमस और टमाटर की चटनी, तो इसलिए मुझे जरा होल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल हो रही है। ये बाइट साइज तैयार हो गए। ओके, ये पीटा ब्रेड बाइट साइज ये जनाब अली तैयार हो रही है हुमस और टमाटर की चटनी के साथ, और ये आपको बहुत मज़ा देगी आज की सहरी के लिए। और अगर इसको आपने ट्राई किया तो यकीनन हमें यकीन है कि आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे कि हमने एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आपको फराहम किया, न सिर्फ टेस्ट बल्कि एनर्जी और बहुत ज़्यादा प्रोटीन।
तो वेरी गुड, ये बाइट साइज हो रही है। इसको हमारी शेफ का मशवरा ये है कि बस आप इसको हुमस में डिप करें और उसके साथ डिप जो है ना वो ऐड करें, निवाले ले लेके खाएं, मजे ले लेके खाएं, बहुत मजे लेके खाएं। बहुत अच्छा टेस्टी आज की हमारी सहरी ये तैयार हो रही है और ये तकरीबन तैयार हो गई है। तमाम बाइट साइज जो है वो हमने पिज़्ज़ा ब्रेड को काट लिया है और ये मैं दिखाना चाहती हूँ, देखें ये अगर आप देखें तो कितना कम जो है हमारी ब्रेड टूटी है सिर्फ इस नाइफ की वजह से। सही, तो फिर ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़ा पार्सले या हरा धनिया तैयार है। आइए प्लीज, तो आज की ये रेसिपी हुम्मस, उसके साथ एडिशनल टमाटर की चटनी, उसके बाद फिर एक डिप और फिर पीटा ब्रेड और वो भी बाइट साइज। बाइट साइज, बाइट साइज। आगा साहब को बाइट साइज बहुत पसंद आया, अभी हम इसको इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद ट्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह ताला आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार है। कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे सेम चैनल पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।